Hi friend, once again this is Habib. आज हम राजमे की सब्जी का रेसिपी हम आपको के साथ शेयर करने जा रहे हैं। यूँ तो राजमा साउथ में बहुत पॉपुलर है, राजमा विथ राइस नॉर्थ में भी बहुत लोग पसंद करते हैं खाने को। तो हमने ये राजमा लिया, कल रात को भिगो दिया था और इसे सुबह में बनाएंगे और इसे मैं फिर निकाल कर कुकर में 10 सीटी लगा दिया था अप्रोक्स। तो ये इस तरह से दिख रहा है, आप इस तरह से इसे गलाएं कि बीच से फटा हुआ दिखे, जैसे कि ये देखिए ये राजमा फटा हुआ दिख रहा है और अभी कुछ कुकिंग में जब होगी तो और भी फट जाएगी। ये बीच में बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और मैंने इसे प्यूरी हमारे मुझे बनानी है। ये टमाटर ले लिए 3, प्याज लिए थे 3 और 2 हरी मिर्च लिए, इसे रफली चॉप किया हूँ। अब इसकी प्यूरी हमें बनानी है तो इसे हम मिक्सी में पीसेंगे। तो जब तक हम ये बनाएंगे, पीसेंगे, फ्राई करेंगे, हमें आज राजमा के साथ राइस अच्छा लगता है तो हम आज हम राइस भी बनाएंगे। तो राइस का एक सीक्रेट है जो कि हम आपको अभी बताने जा रहे हैं इसी वीडियो के तहत। तो मेरा राइस बासमती राइस किर्गिस्तान में अवेलेबल है। ये मैं हम 2 के लिए एनफ है, 1 कप इस बाउल से 1 बाउल, बट आज राजमा बन रहा है तो हल्की सी ज़्यादा डाल दे रहा हूँ ताकि राजमा के साथ खाना कुछ ज़्यादा ही खिला जाती है, चावल और राजमा। अब क्या हम इसे साफ़ करेंगे, हम इसे 2-3 बार साफ़ करेंगे ताकि इसकी स्टार्च निकल जाए। इस स्टार्च निकल जाएगा फिर हम इसे, जब तक हमारा राजमा बनेगा अप्रोक्स 1 आवर तक तो बन जाएगा, 1 घंटे तक हम इसे भी फुलाएंगे और उसके बाद ये राइस बहुत लंबी बनेगी और इसके भी मैं आपको बता दूंगा नुस्खे। तो पहले इसे तो हम धोएंगे 3-4 बार ताकि इसके स्टार्च निकल जाए। तो दोस्तों हमने प्यूरी रेडी कर लिया, इसमें प्याज और टमाटर और 2 मिर्च का उसकी हमने प्यूरी तैयार कर लिया। हम ये तेल के साथ फ्राई करेंगे, 2 तेज़पत्ता और जीरा कुछ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने चावल को स्टार्च निकाला, मींस स्टार्च निकालने का मतलब मींस है कि मैंने इस पानी के साथ इसे 4-5 मरतबे धोया। अब इसे मैं जब तक मेरा ये राजमा नहीं बनेगा तब तक इसे भिगो के रखूँगा, लगभग आधा से ऊपर रखिए, आधा घंटा से ऊपर भिगाने के लिए, फिर आपको ये बासमती राइस बहुत ही लंबा बनेगा। तो चलते हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे प्यूरी को। तो कढ़ाई ले लिए हमने, कढ़ाई में तेल डाल चुके हैं ऑलरेडी, अब आई थिंक हमारा तेल भी रेडी है। तब हम इसमें जीरा और जो पत्ता है तेज पत्ता वो डालेंगे। अब इस गरम में तेज पत्ता डालें, तेल गरम है, और उसके बाद थोड़ी सी हींग से टेस्ट बना रहेगा, और ये हींग हल्दी भी डाल दिए और जीरा। ऐसे तो हींग टेस्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अब हम इसमें प्यूरी डालेंगे जो हमने पीसा था।
तो हमने इसमें प्यूरी में डाला। मैं क्या वो वीडियो बनाने के चक्कर में एक हाथ में वीडियो एक हाथ में प्यूरी, ऊपर से आंच गरम डाला तो उड़ने लगा, बाहर आने लगी। अब हम इसमें हल्की सी पेस्ट डालेंगे, वो अदरक और लहसुन का जो मैं पहले से ही तैयार रखता हूँ बनाकर और स्टोर करके मैं उसे रख देता हूँ, स्टोर करके रख देता हूँ ताकि बाद में बार बार मुझे वो पीसना ना पड़े। तो ये डाला अदरक और लहसुन का पेस्ट, अब इसे हम कुछ देर तक भून लेंगे और हमारी जब ये भून जाएगी तो ऐसे भी हमारी तेल ऊपर की ओर आ जाएगी। तो इसे कुछ पकाते हैं ताकि कच्चापन ना रहे। तो 10 मिनट पकाने के बाद हमारा प्यूरी का ये हाल है। अब हम इसमें मसाले ऐड करने जा रहे हैं, 1 टेबल स्पून हल्दी, इसको चलाऊंगा, उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर, तो आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, नहीं तो कम खाते हैं तो कम। मैंने इसे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला, फिर उसके बाद धनिया का पाउडर, धनिया भी 1 टेबल स्पून के हल्की से कुछ कुछ ज़्यादा, तो आई थिंक हमारा प्यूरी तो रेडी है, प्यूरी रेडी है। अब हम इसमें हल्की सी सब्जी मसाला इसमें डाल दिए ताकि राजमा के लिए आप एडिशनल में राजमा मसाला भी डाल सकते हैं, चाहे तो सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं, जिसमें अब हम मसाला डालने के बाद इसे ढकेंगे। तो दोस्तों हमारा आई थिंक प्यूरी पक गया, मसाला भी पक गया, ये हमारा ग्रेवी का कलर मसाला पूरा तेल पूरा छोड़ चुका है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे कुछ देर राजमा। तो इसमें नमक हल्का सा मैं डालता हूँ, जैसा कि मैं यूजुअली में आपको हमेशा बताते हैं कि मैं थोड़ा नमक कम डालता हूँ पहले, फिर बाद में डालूँगा। तो अब हम राजमा इसमें डाल रहे हैं, राजमा विद राइस, कुछ देर बाद जब इसे मैं निकालूंगा तो राइस भी बनाऊंगा, तब तक अभी इस पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो राजमा डालने के बाद अब इसमें गरम मसाला आखिरी में, ताकि इसका खुशबू बना रहे, जायका में कोई कमी ना हो। मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक देंगे कुछ देर, आई थिंक 10-20 मिनट और पकाएंगे ताकि राजमा। तो दोस्तों ये हमारा राजमा रेडी हो गया, आप चाहें तो इसमें टेक्सचर के लिए धनिया पत्ती डाल सकते हैं, और बिना धनिया पत्ती भी ये बहुत टेस्टी है, बस दिखने में खूबसूरत है। तो हम धनिया पत्ती नहीं डालने वाले हैं, आप चाहें तो डाल लीजिए। एक्चुअली स्टूडेंट लोग हैं, ज़्यादा खर्च भी नहीं करना चाहते हैं, तो धनिया पत्ती हम आज नहीं डालेंगे।
और ये जैसा कि आपको मैंने बता रखा था चावल बनाने का तरीका सबसे सटीक बेहतरीन। आप चावल को पहले पानी को उबाल दें और मैंने चावल का स्टार्च हटा दिया, ये देख रहे हैं इसमें कोई गंदगी नहीं, पूरी चावल दिख रही है। कोई गंदगी का मतलब यही होता है कि आपने स्टार्च निकाल दिया है, वो हल्की सी ब्राउन रेडिश पानी ब्राउन या नहीं ब्राउन नहीं क्या बोलेंगे उसमें गंदी टाइप से पानी दिखती है, वो स्टार्च के कारण होती है। अब हम इसमें डालेंगे तो इससे क्या है फुलाने से फायदा ये है कि चावल जल्दी बनेंगे आपके, दूसरी लंबे लंबे चावल बनेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा आज, और तीसरा ये फायदा है कि जब आप चावल को निकालिएगा तो फर्क मतलब हटा होता हुआ उसमें गैपिंग मिलेगा, दिखेगा नहीं, एक साथ जुड़े हुए नहीं मिलेंगे आपको, तो ये फायदा है। और मेरे को सबसे ज़्यादा ये है कि गैस भी खपत कम होता है, तो आपकी बिल जो गैस की रीडिंग है कम होगी, बिल गैस की जो होगी वो कम आएगी और जल्दी बनेगी। बहुत रेडी हो गया, जल्दी बन जाएगा, एक हाथ से नहीं हो पा रहा है, मैं पहले वीडियो को पॉज करता हूँ। तो दोस्तों हम इसे खूब अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे जब पानी डाला था तो हल्की सी तेल डाल दिया था, एक टेबल स्पून नमक डाल लिया था कि काफ़ी चावल में हल्का सा नमकीन स्वाद बना रहे, और मैं अभी से 10 मिनट आई थिंक विद इन 10 मिनट में ये बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। और देखिए ये रेडी होना चालू भी हो गया है, ये बहुत जल्दी बन जाएगी क्योंकि 40% तो पहले से गली होती है, फिर गर्म पानी तुरंत मिल जाता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे गलने में। तो हम मिलते हैं 5 मिनट के बाद, इसके बाद हम खाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हमारा राजमा किस तरह से बना हुआ है। दिखने में तो लाजवाब टेस्टी दिख रहा है और मसाला ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा कोई बात नहीं। तो दोस्तों आफ्टर 10 मिनट्स मेरा चावल, ये देखिए कितनी लंबे हुए चावल, लंबे हुए बहुत। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लंबे चावल हुए, ये लंबे चावल हो जाते हैं और काफ़ी गला हुए। अब हम इसे खाएंगे कुछ देर बाद, तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ राजमा विथ राइस खाइए, बहुत ही अच्छा खाना है, पौष्टिक और प्रोटीन भी अच्छा खासा है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आप फिर नए वीडियो के साथ, कुछ नए रेसिपी के साथ। तो दोस्तों आखिरी रिक्वेस्ट, जैसा एज यूजुअल मैं हमेशा कहता हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपके तक पहुँचे, और कमेंट कीजिए, बनाइए तो कमेंट कीजिए कैसा लगा ये खाना राजमा विथ राइस, और लाइक कीजिए, डिसलाइक ऑल्सो कीजिए अगर आपको पसंद नहीं आया। तो फिर मिलते हैं, बाय।